अब हम देखेंगे कि गूगल फॉर्म्स पे सर्वे किस तरह से क्रिएट होता है। गूगल फॉर्म, गूगल पे गए, गूगल फॉर्म लिखा, वहां से आप आए, क्लिक किया और आपके सामने ये आ गया। व्हाई गूगल फॉर्म्स? बिकॉज, क्योंकि गूगल फॉर्म्स पे जब आप सर्वे क्रिएट करते हैं तो आपको बड़े जल्दी से आंसर मिल जाते हैं। मोबाइल फ्रेंडली होता है, स्टाइलिश होता है, क्वेश्चन एंड आंसर का एक बड़ा ही डाइवर्सिफाइड, इसके जो क्वेश्चन के रिस्पॉन्सेज हैं आप ले सकते हैं। फिर जब सर्वे आ जाता है तो इसको डाटा के ऑर्गेनाइजेशन और डाटा के एनालिसिस बड़ा ईजी हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट गूगल फॉर्म। सो हम गूगल फॉर्म किस तरह से क्रिएट करेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा। ब्लैंक पे आप आए, फिर ब्लैंक पे आपने क्लिक किया और यहाँ से आपका एक गूगल फॉर्म खुल जाएगा। जस्ट टू सेव योर टाइम, मैंने एक फॉर्म ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। सो इस फॉर्म में देखिए, मैंने एक टाइटल दिया, फिर दो तीन क्वेश्चन, आप भी ज्यादा तीन या पांच से ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखिएगा क्योंकि कोई इसका रिस्पॉन्स बहुत कम लोग चांसेस कम हो जाते हैं कि लोग इसको रिस्पॉन्ड करें। सो डिजिटल मार्केटिंग सर्वे में आप देख रहे होंगे कि मैंने तीन चार क्वेश्चन लिखे, सबसे पहले क्वेश्चन, और ये इस लिखने का मकसद, तीन चार मैंने इसके जो आंसर टाइप्स हैं वो भी मैंने इसलिए वैरी रखी ताकि आपको समझ आ सके कि गूगल फॉर्म क्रिएट कैसे करते हैं। अब आप फाइनल मैंने लिखा कि व्हाट इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम विद डिजिटल मार्केटिंग। सो इसके लिए मुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था एक लॉन्ग आंसर। सो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन लिख के आप उसका जिस तरह का रिस्पॉन्स चाहते हैं, शॉर्ट आंसर चाहते हैं, पैराग्राफ चाहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहते हैं या जितने भी ड्रॉप डाउन आ रहे हैं नीचे तक, सो आप इसमें से उसका वो रिस्पॉन्स ले सकते हैं। तो मुझे इसका लॉन्ग आंसर चाहिए था और एक ओपन एंडेड आंसर चाहिए था, सो मैंने इसको लॉन्ग आंसर लिख लिया। फिर एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट इसी सर्वे का, फिर मुझे उसका लॉन्ग आंसर चाहिए था तो मैंने उसका लॉन्ग आंसर लिख लिया, पैराग्राफ कर लिया। हाउ डिफिकल्ट हैज इट बीन फॉर यू टू फाइंड आंसर फॉर अबव क्वेश्चन, तो मैंने एक लेवल फाइंड करना था कि कितने लोगों को डिफिकल्ट लगता है इसका जवाब देना। तो मैंने, मुझे एक मल्टीपल चॉइस तरह का एक रिस्पॉन्स दिया था तो मैंने इसका मल्टीपल चॉइस रिस्पॉन्स ही रखा। फिर प्लीज एड योर ई मेल एड्रेस इफ यू वुड लाइक टू बी कॉन्टेक्टेड इफ यू गॉट सोल्यूशन। सो यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस भी, अगर मुझे इसका सोल्यूशन मिल गया तो मैं उन लोगों को एक सेंड करूंगा। अब जब बात करते हैं हम, तो हमने एक सर्वे क्रिएट कर लिया। जब हम सर्वे डिस्ट्रीब्यूट, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास सर्वे को डिस्ट्रीब्यूट करना। सो सर्वे को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें, हमारे पास बटन है सेंड का। सो जब हम सेंड का बटन दबाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट एक पॉपअप आ जाएगा। एक पॉपअप हमें क्या बताएगा कि हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कर सकते हैं, हम फेसबुक पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, इस तरह से हम ट्विटर के डिफरेंट ग्रुप्स में, ट्विटर पे ही इसको बिजनेस के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ट्विटर अकाउंट से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जितने भी सोशल मीडिया गियर्स हैं उन तमाम प्लेटफॉर्म से हम इस सर्वे को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ई मेल्स मैं अपनी ई मेल लिख लेता हूँ जीमेल। सो यहाँ से मैं इसको सेंड कर दूंगा। लेकिन जब आप सब्जेक्ट लिख रहे होंगे तो सब्जेक्ट बड़े केयरफुली लिखिएगा और बड़ा रेलिवेंट लिखिएगा। क्यों? कि ये सब्जेक्ट ही एक जो सर्वे फिल करने वाला होगा उसको प्रोवोक करेगा कि उसको फिल करे और आपके लिए एक रिस्पॉन्स करे। फिर जो मैसेज होगा, मैसेज शुड बी वेरी क्लियरली क्राफ्टेड कि ये मैं चाहता क्यों हूँ, टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट problem of today. So I will send from here. Right? So आपको emails कहाँ से collect करनी है, यहाँ से मैंने ये इसको send कर दिया। अब next जो topic है कि हमने एक survey create कर लिया, अब इसको distribute कैसे करते हैं। Distribute करने के लिए emails कहाँ से लेंगे, तो for time being आप अपने Gmail से भी email को export कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है, उसका तरीका आप इस link से export.google.com से आप इसको ये सीख सकते हैं, या Google में जाके लिखेंगे कि export How to export email addresses from Gmail. So, ये तरीका आपके सामने आ जाएगा। फिर आप ईमेल दे सकते हैं अपने LinkedIn से भी। So, LinkedIn में आप इस तरह से जाएंगे कि how to export connections or email addresses from LinkedIn. So, आपके पास एक ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी और इसको फॉलो करते हुए आप वो कनेक्शन सारे या आप ईमेल्स कलेक्ट कर सकते हैं। अपने सर्वे को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीका और है कि आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं किसी भी कंपनी के, सो उसके रेलिवेंट जितने भी ग्रुप्स हैं, सो फेसबुक के ग्रुप हैं या आपके ट्विटर के ग्रुप्स हैं, लिंक्डइन के ग्रुप्स हैं, जितने सोशल मीडिया गियर्स हैं उन ग्रुप्स में
सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दें और वहां से रिस्पांस को उठाएं। एक और तरीका सर्वे को डिस्ट्रीब्यूट करने का है कि आप डिफरेंट फोरम्स पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मेरे पास ईमेल मार्केटिंग का एक फोरम है, अगर मैं ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई किसी चीज को पब्लिश करना चाहूँ तो मैं इसमें पब्लिश कर सकता हूँ। फिर फॉर एग्जांपल कोरा है एक फोरम, वहां पे मैं अपने सर्वे को पब्लिश कर सकता हूँ। तो ये हमने सीखा कि सर्वे क्रिएट कैसे करते हैं और सर्वे को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट हम अगले सेशन में सीखेंगे कि डिफरेंट जो हमारे पास जो टूल्स हैं सर्वे के या मार्केट रिसर्च के जो टूल्स हैं, वो कौन कौन से रिनाउंड टूल्स हैं और वो किस तरह से हमारी हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम ये सारी चीज़ें सीख रहे होंगे। ओवर टू द नेक्स्ट सेशन।